Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we are going to continue with the chapter number 3, and that is synthetic fibers, right? So in the previous class we have discussed about various types of synthetic fibers like rayon, nylon, terrylene, terrycot, etc. And today we are going to discuss about the characteristics of the synthetic fibers. So as we know that, yeah, do you know that in rainy season what kind of umbrella do you use and why? आपको पता होना चाहिए कि जो रेनी सीजन में जो आप अम्ब्रेला यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए, वो किससे बना हुआ होता है? वो एक्चुअल में बना होता है एक सिंथेटिक फाइबर से. तो सिंथेटिक फाइबर से क्यों बना हुआ होता है? सिंथेटिक फाइबर से इसलिए बना होता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं दे विल कीप अस ड्राई. तो वो जल्दी से वेट नहीं होते क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो अगर हम उन सिंथेटिक फाइबर को पहनेंगे या उसका अगर हम अम्ब्रेला अगर अपने आप को कवर करने के लिए यूज करेंगे तो हमारे कपड़े भी गीले नहीं होंगे और हम लोग भी उससे गीले नहीं होंगे. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं दे आर चीपर देन द नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स ये काफी चीप होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं. ये काफी सस्ते भी होते हैं प्लस स्ट्रांग भी होते हैं. तो दोनों ही उनके फीचर्स हैं, दे आर चीपर एज वेल एज दे आर स्ट्रांगर, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स जो रहते हैं दे आर ड्राइड अप इन लेस टाइम. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कम टाइम में सूख भी जाते हैं, तो इजीली उनको मेंटेन कर सकते हैं, हम वॉश भी कर सकते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर द नेचुरल फाइबर, तो आप क्या क्या एडवांटेजेस लिखेंगे? सबसे पहले तो दे आर चीपर, ठीक है, दे आर स्ट्रांगर, देन दे इजीली ड्राई अप इन लेस टाइम, थर्ड देन दे आर इजी टू मेंटेन, फोर्थ एंड दे आर इजी टू वॉश, फाइव, ठीक है. तो पांच इसके इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स. तो एक एक्टिविटी हम लोग करके देखते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो कपड़े के टुकड़े लेते हैं, दो क्लॉथ पीसेस लेते हैं जो कि सेम साइज के हैं और आधे मीटर के हैं रफली, ठीक है. एंड वन ऑफ These should be from a natural fiber. एक जो होता है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ होना चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कॉटन का ले लेते हैं. दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना होना चाहिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नायलॉन से बना हुआ होना चाहिए. अब आप क्या करेंगे कि अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि इसको डिफरेंट मग्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर में इनको डिप करें. मान लीजिए कि एक बीकर ये है और दूसरी बीकर ये है, बीकर ए और बीकर बी, दोनों में आपने पानी को भर लिया. इसमें आपने कॉटन के कपड़े को सोक किया और इसमें आपने नायलॉन के कपड़े को सोक किया. अब आप क्या करेंगे, टेक द पीसेस आउट ऑफ ईच कंटेनर. इनको पानी में डुबोने के बाद इन दोनों कपड़ों को आप क्या करोगे, बाहर की तरफ निकाल लोगे एंड इसको 5 मिनट के लिए आप स्प्रेड करेंगे सन के अंदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है. 5 मिनट्स या फ्यू मिनट्स के लिए आप इसको कपड़े को सन के अंदर स्प्रेड करेंगे. आप कंपेयर करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि किसने कितने पानी को एब्जॉर्ब किया है इस कंटेनर में से, क्योंकि आपने पानी तो दोनों के अंदर सेम लिया था. लेकिन अब आप ये देखेंगे इस कॉटन के कपड़े ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया और इस नायलॉन के कपड़े ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया. तो जब आप कंपेयर करते हैं तब आप देखते हैं कि कॉटन जो होता है वो पानी को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू द नायलॉन. नायलॉन कम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि वो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है. बट सूखने का टाइम अगर हम देखें तो सूखने के अंदर नायलॉन जो है वो जल्दी सूख जाता है क्योंकि कम क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है. कॉटन ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता था इसलिए लेट सूखता है, ठीक है. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स. तो क्या सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या मोर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या सोक करते हैं? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई. तो टाइम जो उनको लगता है वो तो बहुत कम लगता है. ये लेस वाटर को सोक करते हैं और लेस टाइम में ही क्या करते हैं, ड्राई हो जाते हैं. तो इससे हम पेरेंट्स से ये भी पता कर सकते हैं कौन से कपड़े की कितनी ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि कौन सा कपड़ा कितना ड्यूरेबल है, यानी कि कितने लंबे टाइम तक चलेगा. उसकी कॉस्ट का भी पता लगा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस का भी पता लगा सकते हैं कि उसको मेंटेन कैसे करें उस कपड़े को,
लंबे टाइम के लिए, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा लंबे टाइम तक चलेगा, किसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, और फैब्रिक और दूसरे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या होता है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही होता है। प्लास्टिक से आप सभी फैमिलियर हैं, हम डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक को यूज करते हैं, और आप उन सब आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं जो जो आप प्लास्टिक के आइटम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं वो भी अलग अलग तरीके का होता है। कौन सा होता है? अलग अलग तरीके का होता है। तो कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक होते हैं? एक होता है लीनियर प्लास्टिक। क्या होता है? लीनियर प्लास्टिक। और एक होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो ये लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट क्या होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट होता है यानी कि एक सिंपल लाइन में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने अरेंज कर रखा है। ठीक है, वेयर एज क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, हम लोगों ने दो दो प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक किया हुआ है। ये एक लीनियर चेन है, ये दूसरी लीनियर चेन है। इन दोनों चेन्स को हमने इस तरह से भी लिंक कर रखा है। आप देख रहे हैं ये कनेक्शन भी हम लोगों ने बना रखे हैं। ये तो लीनियर चेन थी, लेकिन अब हमने इन दोनों चेन्स को भी आपस में क्रॉस लिंक कर दिया है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। और ऊपर वाला क्या था? लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के प्लास्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स यूज करते हैं जो इन चीजों से बने हुए हो सकते हैं। प्लास्टिक क्या होता है? ये भी एक पॉलीमर होता है। प्लास्टिक क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जिसको कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में प्लास्टिक कोई चीज है, आप उसको रिसाइकलिंग हाउस में या रिसाइकलिंग फैक्ट्री में उसको भेजते हैं, तो उसी प्लास्टिक से कोई दूसरी चीज भी बनाई जा सकती है। यानी कि उसकी क्या हुई? रिसाइकलिंग हुई, उसी चीज से कोई दूसरी चीज बनाई गई, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसाइकिल करना। तो प्लास्टिक क्या होता है? एक तरह का पॉलीमर होता है। पॉलीमर कैसे हुआ? अभी हमने देखा लास्ट डायग्राम में। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर वो होता है जो कि बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से बनी होती है। कल भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, जैसे कि एक माला है, गार्लैंड है, ठीक है, जो कि किससे बनी हुई है? बीड्स से बनी हुई है। ठीक है, तो ये माला क्या हुई? ये माला हुई एक पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। यानी कि जब बहुत सारी ऐसी यूनिट्स ये वाली कंबाइन करती हैं आपस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। ठीक है, तो मोनोमर क्या हुआ इसके अंदर? मोनोमर हुआ ये एक बीड। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी क्या है? एक तरह का ऐसा ही पॉलीमर है जिसको कि हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग कलर्स में कलर कर सकते हैं, जिसको कि हम रीयूज कर सकते हैं, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग शेप्स में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट्स जो होती है इन प्लास्टिक की, दे हैव लीनियर अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, लीनियर अरेंजमेंट यानी कि इस तरह से भी हो सकता है, या वो क्या हो सकते हैं? क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है उनके अंदर, यानी कि इस तरह से भी उनके अंदर हमें जो क्रॉस लिंकिंग है वो दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या हुआ? हम उसको टॉयज बनाने में यूज करते हैं, सूटकेस बनाने में यूज करते हैं, बैग्स बनाने में यूज करते हैं, कैबिनेट्स बनाने में यूज करते हैं, ब्रश, चेयर, टेबल, सो मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, पॉलिथिन जो हम यूज करते हैं, थैलियां यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। वो भी क्या है? पॉलीमर है, एक तरह का प्लास्टिक है, जो कि कैरी बैग्स बनाने के अंदर यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं चेयर है, बकेट है, ग्लास है, बाइक है, ये सब किससे बने हुए हैं? टॉयज जो कि हैं वो किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से बने हुए हैं। अब आप प्लास्टिक की किसी चीज को बेंड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, प्लास्टिक की किसी चीज को बेंड करने की कोशिश कीजिए, तो आप ये पाएंगे कि कुछ प्लास्टिक की चीजें जो हैं वो बेंड हो सकती हैं, और कुछ जो हैं वो बेंड नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चेयर को बेंड करना चाहें, यानी कि इसको इस तरह से मोड़ना चाहें, तो क्या ये बेंड हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के टॉय को
बेंड करना चाहें तो कुछ प्लास्टिक के टॉयज बेंड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, कुछ जो है वो जल्दी बेंड हो जाते हैं और कुछ जो है वो टूट भी जाते हैं जल्दी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेंड नहीं होते हैं। और जब हम किसी के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बॉटल है, जो बिस्लरी की प्लास्टिक की बॉटल आती है, उसके ऊपर अगर आप गर्म पानी डालते हैं तो वो इजिली डिफॉर्म भी हो जाता है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है, उनकी उसकी जो शेप और साइज है वो इजिली चेंज हो जाती है। तो ये जो प्लास्टिक है जो कि इजिली डिफॉर्म हो जाता है हीटिंग करने पर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोप्लास्टिक। तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक हम बोलते हैं थर्मो प्लास्टिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का मतलब वो टाइप का प्लास्टिक जो कि जैसे आप इसको हीट करोगे वो इजिली बेंड हो जाता है, तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे, विच बेंड्स अपॉन हीटिंग, विच बेंड्स अपॉन हीटिंग, हीटिंग करने पर जो बेंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होता है जो एक बार अपनी कोई शेप अक्वायर कर लेता है ना, तो उसके बाद इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। तो शेप जो होती है डजंट चेंज, शेप डजंट चेंज ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर जब किसी की शेप चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पॉलिथीन और पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलिथीन को अगर जब आप हीट करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, तो किसका एग्जांपल हुआ? थर्मोप्लास्टिक का। तो यहां पर इसका एग्जांपल क्या हुआ? पीवीसी एंड पॉलिथीन, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के प्लास्टिक को बेसिकली हम लोग टॉयज बनाने में, ठीक है, कॉम बनाने में और दूसरे अलग टाइप के कंटेनर्स बनाने में इसको यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, उसको अगर आपने एक बार कोई एक शेप दे दी ना, उसके बाद अगर आप हीटिंग भी करोगे तो उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग। यानी कि एक बार, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और सेटिंग का मतलब होता है सेट हो जाना। एक बार हीट करने पर आपने उसको सेट कर दिया किसी भी फॉर्म में, तो उसके बाद उसकी शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ऐसे टाइप के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। दो एग्जांपल्स हैं इसके, बेकलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन होता है जो क्रॉकरी होती है आपकी, क्रॉकरी में जो प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल जो प्लेट्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स नहीं, जो आपकी अनब्रेकेबल प्लेट्स होती हैं, वो किससे बनी हुई होती है? मेलामाइन से बनी हुई, ठीक है। एक बार उनको एक शेप दे दी तो उसके बाद उनकी शेप पूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा होता है बेकलाइट। तो जो स्विचेस होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिक स्विचेस, वो बेकलाइट से बने हुए होते हैं। उनको आपने एक बार उस शेप में ढाल दिया तो उसके बाद उनकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती, आप उसको कितने भी हीट कर लीजिए। तो क्योंकि वो सेट हो गए हैं, इसलिए हम उन टाइप के प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकलाइट जो होता है इसके अंदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के काम में, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स जो होते हैं वेरियस यूटेंसिल्स के, वो भी इसी से बने हुए होते हैं। मेलामाइन जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है, क्योंकि फायर को ये रेजिस्ट करता है, उसके ऊपर आग जल्दी से नहीं लगती और हीट को टॉलरेट कर सकता है काफी हद तक। तो ये दूसरे प्लास्टिक से काफी अच्छा होता है, दैट इज वाई इट इज यूज इन कुकिंग ऑल्सो। इसको हम लोग कुकिंग में भी यूज करते हैं, फ्लोर के टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में, देन फैब्रिक्स जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं वहां पर इनको बेसिकली यूज किया जाता है। तो हमने देखा कि दो तरह के प्लास्टिक्स हमने पढ़े, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, ठीक है, एंड पीवीसी, और थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है बेकलाइट एंड मेलामाइन, जिसमें बेकलाइट जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में लेते हैं,
मेलामाइन को हम लोग किचन वेयर बनाने, किचन जो के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, टाइल्स बनाने के अंदर काम में इसको लेते हैं। तो ये हुए आपके दो तरीके के प्लास्टिक्स। तो देखिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमारे किचन के आर्टिकल्स, जो प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल जो होता है वो भी किससे बना हुआ होता है, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमारे किससे बने होते हैं, बेकलाइट से, ये भी हमारा किससे बना हुआ है, और टाइल जो बनी हुई है वो किससे बने हुए हैं, मेलामाइन से बने। ठीक है, और ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक यानी कि जिसको आप हीट कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। राइट, देन आता है प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ योर चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, अगर हमें आज कोई कहता है ना कि हमें ये फूड आइटम स्टोर करना है, तो हम जैसे कि दूध है, पानी है, अचार है, या ड्राई फूड है, हम सबको क्या करते हैं कि प्लास्टिक में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है यूज करने में। बिकॉज एक तो लाइट वेट है उसका, वॉल्यूम कम घेरता है, पैसे कम लगते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है उसकी, और उसकी हैंडलिंग भी क्वाइट इजी होती है, इसीलिए बेसिकली हम लोग प्लास्टिक्स को यूज करते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, अब दूसरे मेटल्स का अगर हम कंपेयर करें तो प्लास्टिक का जो वेट होता है ना वो काफी लाइट होता है, कम वेट का होता है ये। और प्लास्टिक्स को जो है कार में भी यूज करते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं, स्पेसक्राफ्ट में भी यूज किया जाता है इसको। तो ये एक एंडलेस लिस्ट है, इसकी लिस्ट खत्म नहीं होती। प्लास्टिक के यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, इसको स्लीपर्स बनाने में, फर्नीचर है, डेकोरेशन आइटम्स हैं, इन सबको बनाने में हम लोग जो है बेसिकली प्लास्टिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही इतनी ज्यादा ज्यादा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही इतने ज्यादा है। बट प्लास्टिक जो है यूज तो इतना ज्यादा किया जाता है, बट उससे हार्म भी बहुत ज्यादा है। बट पहले हम इसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कोई खट्टी चीज है, वो किसी भी खट्टी चीज को हम लोग मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो खट्टी चीजों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और हमारे खाने को स्पॉइल कर देता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग खाने को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम खाने को स्टोर कर लेते हैं प्लास्टिक में, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आयरन जो है वो आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई चीज में हम अपने किसी भी खाने को स्टोर नहीं कर सकते हैं। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और ये एयर वाटर किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसमें कोई जंग भी नहीं लगता है, इसीलिए हम अपने खाने पीने की चीजें जो है और जो दूसरे मटेरियल हैं जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको भी किसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, प्लास्टिक के अंदर, उसी उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। देन प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है ना लाइट वेट का होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। ड्यूरेबल यानी कि लंबे टाइम तक चलता है, प्लास्टिक जल्दी से खराब नहीं होता, अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। तो आपने देखा होगा आपके बकेट्स जो घर में होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका प्लास्टिक जो है वो अच्छे टाइप का प्लास्टिक है, जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, और प्लास्टिक जो है वो स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, उसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, अलग अलग पर्पसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और मेटल से जनरली चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है, इसीलिए हम लोग इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में बनाने के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, इसीलिए बेकलाइट जो होता है उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में लेते हैं। ठीक है, और दे वुड नॉट गिव एनीवन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम बेकलाइट से इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक जो उसके अंदर बना हुआ है, जो कि है बेकलाइट, वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग क्यों होती है, दैट इज वाई
क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसलिए जब हम उसको छुएंगे, अगर प्लास्टिक की कवरिंग, अगर हमने वायर कॉपर की वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग अगर हमने कर रखी है और हम वायर को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए जो स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से ही बने होते हैं। ठीक है, फ्राइंग पैन्स जो होते हैं उनके भी किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से ही बने होते हैं। तो इस तरह से ये इसके फायदे हैं। अब आते हैं, डिड यू नो प्लास्टिक जो होते हैं फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो होती है, मेडिकल इंडस्ट्री जो होती है, वहां पर प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स, टेबल को पैक करने में, थ्रेड्स को पैक करने में, और अगर हम बात करें स्टिचिंग ऑफ वूंड्स, वूंड्स यानी कि घावों को भरने के लिए जो सिरिंजेस होते हैं, डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे, वो किससे बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। और स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर भी आते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, अवन है, जो कि हम लोग खाना बनाने के बेसिकली काम में लेते हैं, उसके अंदर जो कुकवेयर यूज किए जाते हैं ना, वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। ठीक है, इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डजंट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब हम प्लास्टिक का वेसल अगर हम लोग माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में जैसे ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट को, तो प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट जो है वो जलेगा भी नहीं, ना ही लाइट होगा, ना ही खराब होगा, और हमारा फूड आइटम जो है वो कुककर आसानी से तैयार हो जाएगा। देन एक अलग चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं उसको? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसमें कि ऑयल और वाटर जो है उसके अंदर स्टिक नहीं करते। क्या नहीं करते? स्टिक नहीं करते। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर्स। क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना, उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो इस टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से हमारा बर्तन जो है वो जल्दी से खराब नहीं होता, और जो भी हम खाना बनाते हैं उसके अंदर तेल या घी की जो क्वांटिटी होती है वो कम लगती है। ठीक है, और खाना जो है हमारा जलता भी नहीं है, लगता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है। देन आते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर हमने देखा है कि बहुत जल्दी जो है आग को पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने नायलॉन को देखा, बहुत जल्दी आग पकड़ता है वो। सारे सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, लेकिन जो फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं ना, वो जल्दी से आग को नहीं पकड़ते। और इसीलिए जो फायरमैन होते हैं, जो फायर मैन होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना, उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। मेलामाइन की प्लास्टिक की कोटिंग इसलिए होती है क्योंकि मेलामाइन जल्दी से आग को नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।